हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए हम स्वेटर बनाना सीखेंगे कॉलर वाली। जो हमने ए डिजाइन यहाँ स्वेटर में डाला है वही हमने कॉलर में डाला है और थोड़ा थोड़ा बाजू में भी डाला है। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू और गला। तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है बच्चों के लिए स्वेटर। ये बेबी के लिए है, बेबी गर्ल के लिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, ये स्वेटर बनाने जा रही हूँ मैं इस कलर की। ये 0 से लेके 8 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो इस पे मैंने ये वाला डिजाइन डाला है, तो इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ बॉर्डर में मैंने 70 फंदे डाले हैं और 70 फंदे डालने के बाद 2 धारियाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। ये डिजाइनर फंदे हैं। तो जब मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगी तो उस पे मैं फंदे बनाना आपको बताऊंगी कैसे हमें फंदे डालेंगे। तो जो सिलाई हमने पहली इन 2 धारियों के बाद यहाँ पे बनाई वो मैं यहाँ पे आपको बनाना बता रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 14-14 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं लास्ट में एज ए स्टिच के लिए। तो देखिए पहली सिलाई इसकी हम पूरी सीधी बनाएंगे, ऐसे 70 फंदे हैं इनको हम सीधा बना देंगे सभी को। तो पूरी सिलाई में सीधी बना लेती हूँ, फिर दूसरी सिलाई दिखाती हूँ। 4-4 सिलाइयों का ये डिजाइन है फ्रेंड। 4 सिलाइयों में बहुत ही सुंदर बन के आता है और बहुत ही इजी भी है। जालियों से हम इसको ऐसे बनाएंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर बन के आता है। ये देखिए फ्रेंड, पहली सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली। अब उल्टी सिलाई पे आ गए हम। उल्टी सिलाई इसकी सभी उल्टी ही बनेगी, पर ये जो हमारी दूसरी सिलाई है इसको हम सीधा बनाएंगे उल्टी साइड से, ऐसे सीधी साइड को उल्टा दिखाना है इसको ऐसे। तो पूरी सिलाई ये मैं उल्टी साइड से सीधी बना लेती हूँ। फिर हमारी सीधी सिलाई पे 1 धारी बन के आ जाएगी। तो ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, इसकी तीसरी सिलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करा, आगे के 6 फंदों का हम 3 फंदे बनाएंगे। तो पहला ऐसे पलटेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो 3 फंदे यहाँ घट गए, 3 हम 6 फंदों पे जालियाँ बनाएंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6ठी जाली बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे इस साइड को। 1, 2, 3 शुरू में हमने 6 फंदों के 3 करा और यहाँ पे हमने 12 फंदों का 6 बनाएंगे। 3 हमने इस साइड से बना लिया, अब 3 हम इस साइड से बनाएंगे। 1, 2, 3 तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 हमारे इस डिजाइन के और 3 अब इस डिजाइन के। तो जाली बनाई, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठी जाली। इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 करा, फिर से पलटा, 2 का 1 करा, फिर से पलटा, 2 का 1। तो 3 बार हमने ऐसे कर लिया, अब 3 बार हम इस साइड से बनाएंगे। 1, 2, 3 अब जाली बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठी बार ऐसे 1, 2 और 3 अब 3 को इस साइड से 1
दो तीन, फिर से जाली बनाई, एक दो तीन चार पाँच और लास्ट का ऐसे बनाई जाली। अब यहाँ पे शुरू में अभी हमने छः फंदों के तीन करे थे और लास्ट में अभी हम छः फंदों के तीन बना देंगे इस साइड से। तो पूरी सिलाई हमारी तीसरी कंप्लीट हो जाती है। अब चौथी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बना देंगे हम। तो बस इन्हीं चार सिलाइयों में हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से दिखाऊंगी मैं आपको आगे दोबारा से हम कैसे बनाएंगे। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए चार सिलाइयों से हमारा डिजाइन ऐसे बन के आता है। अब इसके बाद फिर से हमने पहली सिलाई सीधी बनानी है और दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई से सीधी बनानी है। तो ये पहली सिलाई मैं पूरी सीधी बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ। अब सीधी सिलाई बनाने के बाद दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे, उल्टी नहीं सॉरी ऐसे सीधी साइड को उल्टा बनाएंगे ऐसे। दूसरी सिलाई का ध्यान रखना, बस इसको हमने धागा आगे करके उल्टा बना देना है सभी फंदों को। फिर मैं आपको तीसरी सिलाई दिखाती हूँ। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, तीसरी हमने फिर से वैसे ही बनानी है। इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, दो का एक, फिर पलटा दो का एक, छः फंदों के तीन फंदे यहाँ पे हम बना देंगे शुरू में भी और लास्ट में भी सेम। अब देखिए छः जालियाँ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छठी पे ऐसे बनाएंगे जाली बनाएंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक। तीन बार हमने इस साइड से करा, अब तीन बार हम इस साइड से करेंगे, दो और एक, तीन हो गए। अब छह जालियाँ, एक दो तीन चार पांच और छठी जाली पे ऐसे, एक दो तीन, तीन इस साइड से और तीन हम इस साइड से। तो लास्ट तक ये बना लीजिए और लास्ट में छः फंदे के तीन बना लीजिए और उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी। और ऐसे ही इन चार चार सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जाली वाला डिज़ाइन, इसको आप फ्रॉक पे भी डाल सकते हैं, स्वेटर में भी और लेडीज़ कार्डिगन में भी बहुत ही सुंदर बन के आता है ये। तो यहाँ पे बना लीजिए। इसके बाद फिर मैं मुंडे की कटिंग करना बताती हूँ आपको, बैक पार्ट की। अब देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन की लेंथ कंप्लीट हो गई है स्वेटर की। तो अब मैं नाप के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। साढ़े नौ इंच के करीब मैंने इसको बनाया है, ये देखिए। और साढ़े नौ इंच के बाद अब हम मुंडे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन भी आपको काउंट करा देती हूँ कितने डिजाइन बनाए हैं। दो धारियाँ तो हमारी पहले की हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह डिजाइन बनाए हैं। अब हम नीचे नीचे डिजाइन बनाएंगे, ऊपर हम प्लेन बनाएंगे। तो पहले तीन दो एक की कटिंग करेंगे। पहली सिलाई में हम एक दो तीन फंदे घटाएंगे और पूरी सिलाई सीधी बना देंगे। फिर उल्टी सिलाई पे भी हम तीन फंदे घटाएंगे, बंद करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरी सिलाई में सीधी बना लेती हूँ।
फिर उल्टी सिलाई पे दिखाते हैं। अब उल्टी सिलाई पे आ गए हम, तो उल्टी सिलाई पे भी तीन फंदे ऐसे बंद करेंगे, एक दो तीन, और पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। फिर सीधी सिलाई पे हम दो फंदे बंद करेंगे, अब देखिए दो फंदे अब हम बंद करेंगे यहाँ पे, एक और एक दो, पूरी सिलाई सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पे भी फिर दो फंदे हम बंद कर देंगे। फिर अगली सीधी पे एक फंदा यहाँ पे बंद करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उल्टी सिलाई पे आप यहाँ पे दो फंदे फिर बंद कर लेना। अब लास्ट का फंदा भी हम एक बंद कर देंगे, तीन दो एक। बच्चों की स्वेटर में ऐसे ही कटिंग होती है और बड़ों में अलग होती है। तो ये फंदा हमने बंद कर दिया और बाकी पूरी सिलाई सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पे भी एक फंदा बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमें प्लेन बनाएंगे अब ऊपर तक। और फ्रंट पार्ट का भी हम सेम ही 70 फंदे रखेंगे और सेम ही इतना इसका बना देंगे लेंथ, जितनी हमारी इसकी है उतनी हम उसकी लेंथ भी बना देंगे। नीचे ऐसे डिजाइन, ऊपर फिर मैं आपको गला बनाना प्लेन में कैसे हम बनाएंगे आगे, वो मैं आगे बताऊंगी दूसरी वाली फ्रंट वाले में। ये बैक पार्ट है। अब ये जो फंदे बचे हैं इन्हीं को ऊपर तक बना देंगे हम 5-6 इंच तक। तो फ्रंट ऐसे ही सेम आपने फ्रंट पार्ट का बना लेना है, फिर मैं आपको गले की कटिंग, गला बनाना और बाजू बनाना आगे बताती हूँ। फ्रेंड आज देखिए इस स्वेटर में हम कॉलर बनाना सीखेंगे और जो डिजाइन हमने इस स्वेटर पे डाला है वही हम कॉलर पे डालेंगे। तो सबसे पहले ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इनको हम उतार लेते हैं। आठ फंदे हैं ये बटन पट्टी के। तो आठ फंदे हमने ऐसे उतार लिए। अब मैं आपको मुंडे की यहाँ से बताती हूँ कैसे हमने ये कटिंग करी है। सबसे पहले हमने आठ फंदे यहाँ पे अलग कर लिए जो सेंटर वाले हैं, उसके बाद 31 फंदे इस साइड रखे, 31 इस साइड, और आठ फंदे हमारे सेंटर के हैं जो बटन पट्टी के हैं, और वही फंदे हमने आठ फिर इसके पीछे से उठाए हैं दूसरे पार्ट के लिए। तो 3-2-1 की कटिंग यहाँ करी, 3-2-1 की यहाँ करी और ऊपर तक इसको बनाते गए। तो 1-2-3-4-5-6 धारियाँ बनाई, फिर बटन होल बनाया, 7-8-9-10 10 धारियाँ बनाने के बाद फिर मैंने गले की कटिंग करी है यहाँ पे, 3-3-2-1 की कटिंग करी है ऐसे, और 18-18 फंदे हमने मुंडे के लिए छोड़े हैं। अब देखिए अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं कॉलर के लिए। तो यहाँ से जो जो फंदे हमने यहाँ पे बंद करे हैं वो फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। तो ऐसे हम एक एक फंदा हर एक लूप में से उठा लेंगे। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
20 फंदे हमने उठा लिए और 8 हमारे बटन पट्टी हैं, और ये ऐसे, और यहाँ पे एक गैप आएगा तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। ये मुंडे जोड़े थे हम जब एक फंदा था हमारा ये, और ये बैक पार्ट वाले फंदे हम ऐसे इस सिलाई पे उतार लेते हैं। तो जैसे हमने 20 फंदे यहाँ उठाए वैसे 20 हम दूसरे साइड उठाएं। अब देखिए 20 फंदे उठाए, एक एक हमारा मुंडे का और 20 ये हमारे बैक पार्ट के, और एक हम यहाँ गैप से उठाते हैं तो 4 फंदे हमारे पास है और हो जाते हैं एक एक के मुंडे का, और एक एक हमने गैप से उठाया 20 20 20 20 40 60, और ये 4 फंदे 64 फंदे हमारे पास हो गए ये। तो अब जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए अगर फंदे कम पड़ेंगे तो हम फंदे एक दो फंदे उठा लेंगे बीच में से ऐसे। तो 20 फंदे में ये फिर से इस वाली साइड से उठाऊंगी, तो मैं पूरी सिलाई में उठा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिए फ्रेंड 20 फंदे हमने उठा लिए और 8 इस साइड के, 8 ही उस साइड के बटन पट्टी के, तो 64 हमारे पास पहले थे और 16 फंदे 8 8 दोनों साइड के। अस्सी फंदे हमारे हो गए ये। तो अब दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पे फिर बटन होल बनाना है, तो मैं दो धारियाँ इसकी बना लेती हूँ पहले उल्टी उल्टी, फिर दो धारियाँ बनाने के बाद हम इसका डिजाइन बनाएंगे। तो अब सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा ही ऐसे बनाना है इसको। ये पहली धारी हमारी बन गई, ऐसे हमने यहाँ पे दो धारियाँ बना लेनी है। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको डिजाइन कैसे एडजस्ट करेंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड दो धारियाँ हमने बना ली, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 धारियों के बाद हमने बटन होल बनाया, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब यहाँ भी हम बटन होल बनाएंगे उल्टी साइड से। तो पहले 4 फंदे हम बना लेते हैं, 2 3 4, फिर जाली बनाएंगे आप देखिए ऐसे, सॉरी जाली बनाने के बाद हमने 2 का 1 करना है, तो हमारे यहाँ पे एक फंदा बढ़ा और ये घट गया, तो ऐसे हमारा ये बटन होल यहाँ पे बन गया। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और अगली सिलाई भी पूरी उल्टी। फिर इससे अगली सिलाई पे मैं आपको डिजाइन डालना बताती हूँ। जो डिजाइन हम बनाएंगे वो यहाँ उल्टी सिलाई पे हमारा डिजाइन दिखना चाहिए, और ये जो हमारी सीधी साइड है यहाँ हमारा उल्टा आएगा, कॉलर हमारा ऐसे पलट के आता है पीछे की साइड को। तो ये जो उल्टी साइड है हमारी यहाँ पे हमने डिजाइन बनाना है, तो ये मैं बना लेती हूँ ये वाली सिलाई भी और अगली भी, फिर दिखाती हूँ अगली। अब देखिए फ्रेंड हम डिजाइन बनाएंगे, तो 5 फंदे हम यहाँ उल्टे उल्टे रखेंगे, 5 यहाँ बीच पे डिजाइन बनाएंगे। तो बीच में से हमने एक एक फंदा उठा लिया था जहाँ गैप था, तो हमारे 84 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 3 4 5 5 फंदे हमने 6 बना लेते हैं, 6 फंदे हमें बॉर्डर के लिए बना लेते हैं। इसके बाद ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। यहाँ पे हमने डिजाइन दिखाना है उल्टी सिलाई पे, उल्टी साइड पे। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ और लास्ट के 6 फंदे फिर हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये डिजाइन की पहली सिलाई है, ये देखिए। अब लास्ट के 6 फंदे भी हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 और 1 6। अब उल्टी सिलाई पे आ जाइए फ्रेंड, पहले 6 फंदे तो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, 4 5 6। अब धागा ऐसे पीछे करके पूरी सिलाई ऐसे सीधी बना देंगे। ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है और लास्ट के 6 फंदों को फिर हम उल्टा बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई। अब देखिए फ्रेंड डिजाइन एडजस्ट करेंगे हम,
तो ये 6 फंदे तो पहले हम उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 बार हम 2 का 1 करेंगे, 1 2 3। अगर फ्रेंड आपको डिजाइन समझना आए इसमें तो मैंने अलग से डिजाइन डाल रखा है चैनल पे, तो वहाँ देख लीजिए। जाली बनाई, अब 6 बार हम जाली बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और छठी बार बनाएंगे और 2 का 1 साथ में करेंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 बार हमने यहाँ से बनाए, अब 3 बार हम इस साइड से बनाएंगे, 1 2 3, फिर अब 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5, और छठी जाली हम 2 के साथ में ऐसे, 2 3, 14 के मल्टीपल से डिजाइन बनेगा और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, 2 3, फिर से हमने 6 बार जाली बनानी है, 1 2 3 4 5, फंदा पलटा और 2 का 1, 2 3, अब 3 बार हम इस साइड से, 1 2 3, फिर से हम जालियां बनाएंगे, 2 3 4 5, तो ये 4 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। तो इन 4 फंदों पे अब हम 2 पे जालियां बना देंगे और 2 ऐसे छोड़ देंगे। देखिए 3 बार हमने 2 का 1 कर दिया। अब देखिए 1 2, और तीसरी बार जाली बनाएंगे तो इस यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, 3 3 6 फंदे हमारे बच गए। तो अब धागा आगे लाएंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे, लास्ट का फंदा भी सीधा। अब उल्टी स्लाइस की पूरी उल्टी बनेगी, तो पूरी सिलाई में ये उल्टी बना लेती हूँ। उसके बाद एक सिलाई हम अगली पूरी सीधी बनाएंगे और फिर से वही डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे। तो 5 5 डिजाइन हमें बना देंगे इसमें, और 5 डिजाइन बनाने के बाद फिर हम 2 या 3 धारियाँ बना के फिर बंद करेंगे। तो ये पहला डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से 5 बना लीजिए। 5 बनाने के बाद फिर मैं आपको ये फंदे बंद करना बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड, 5 डिजाइन मैंने बना लिए इसमें, 1 2 3 4 5, 5 बनाने के बाद 1 2 3 धारियां हमने बना ली। अब उल्टी सिलाई से हम इनको बंद करते हुए आ रहे हैं। तो जो मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ वो यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आपको। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे जैसे हमने यहाँ से बंद करना है। ये पहला फंदा स्लिप करा, अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया,
फिर अगला बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। सभी फंदों को हम ऐसे ही बंद कर देंगे। और लास्ट में थोड़ा सा धागा छोड़ के इसको काट देंगे। फिर हम सुई या क्रोशिया से इसको अंदर की साइड कर देंगे फोल्ड। तो यहाँ से अब हम धागा काटेंगे, इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे और इसको टाइट बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा कॉलर बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले बटन लगा देंगे दो, एक यहाँ एक यहाँ। उसके बाद फिर इसको ऐसे डिजाइनर बॉर्डर को ऐसे फोल्ड करेंगे बटन लगाने के बाद, फिर इसकी लुक अच्छी आएगी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस वाले को, ऐसे डिजाइनर कॉलर को। और ये वाला धागा हम अंदर की साइड कर देंगे और बटन लगा के फिर पूरी स्वेटर की हम सिलाई करेंगे, बाजू अलग सिलेंगे और ये अलग। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैंने दो बाजू भी बना रखे हैं। बाजू पे ये 10-10 डिजाइन बनाए हैं और 10 डिजाइन बनाने के बाद फिर ऊपर हमने ये प्लेन बनाया है। तो यहाँ पे बॉर्डर में हमने 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डालने के बाद दो धरी हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं और उल्टी सिलाई पे फिर हमने फंदे यहाँ पे बढ़ा दिए हैं और 50 फंदे हमने इसमें कर दिए हैं। और 50 फंदे पे फिर हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाता है। 50 फंदे फिर हमने 8 डिजाइन बना लिए 50 फंदों से ही। 8 के बाद फिर हमने एक इस डिजाइन पे, एक इस डिजाइन पे, दो यहाँ बढ़ाए, दो यहाँ बढ़ाए, उसके बाद एक एक बढ़ाते गए। तो 64 फंदों तक हमने इसको बढ़ाया है। 64 बढ़ाने के बाद ये तो हमने 10 डिजाइन बनाए और ऊपर ये 38 सिलाइयाँ हैं, ये सीधी उल्टी 38 है। 38 बनाने के बाद फिर तीन इस साइड से कम करें, तीन इससे, तीन तीन, एक दो तीन बार हमने यहाँ कम करे, तीन बार यहाँ कम, फिर हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। तो इसकी बाजू इस तरीके से ये बनी है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे और बहुत ही सुंदर हमारी स्वेटर बनके फिर कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ये सिल के फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी।